तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुमन छेत्री, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। तो आइए चलते हैं कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता है, इम्यून सिस्टम। यानी कि देखिए, जो कीटाणु है वो बाहर तो है ही है, हमारे शरीर के अंदर भी कीटाणु है। तो उस शरीर के अंदर के कीटाणु को मारने के लिए और बाहर से जो अंदर कीटाणु आते हैं उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमें चाहिए एक बहुत ही स्ट्रांग इम्यून सिस्टम। और आजकल वो कमजोर क्यों हो रहा है? बिकॉज हम हद से ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बिकॉज हम हद से ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। हमारा अल्कोहल कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट नंबर वन है। एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिकेशन, हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा फास्ट, इतना ज्यादा बिजी है कि मान लीजिए अगर हमें हल्का सा भी दर्द हुआ, या हेडेक, या पीरियड पेन, या बैक एक, या नर्व्स, कुछ भी प्रॉब्लम, हम एकदम से मेडिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। लाइफस्टाइल, हमारा खाने पीने का समय, हमारा खाना पीने का तरीका, हमारा खाना पीना, अगर हमें सबके ऊपर देखे तो सभी कुछ आजकल धीरे धीरे करके खराब होते जा रहा है। नो डाउट हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं, हम पानी अच्छा पीते हैं, हम हवा ले रहे हैं, क्या ये सब कुछ जो आप ले रहे हो शरीर के अंदर, क्या वो सब कुछ शुद्ध है? आपके शरीर में जो हमारे लाइफ के लिए जो तीन चीज इंपॉर्टेंट है, हवा, पानी और खाना, ये तीन चीज ही शुद्ध तरीके से नहीं घुस रहे हैं। तो इमेजिन करो एवरी डे हर एक सेकेंड आपके बॉडी में इम्यूनिटी का क्या हो रहा होगा। बिकॉज आजकल सबसे ज्यादा बीमारी कहाँ से आ रहा है? पानी। और उस बीमारी के अगेंस्ट लड़ने के लिए हमें क्या सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए? इम्यूनिटी। और जो खाना आप खा रहे हो उससे आपको 100% पोषण भी तो नहीं मिल पा रहा है ना, तो उस पोषण की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? सप्लीमेंट्स। और इस कैटेगरी में जो हम सप्लीमेंट डिस्कस करेंगे वो आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए मदद करेगी। और सबसे पहला सप्लीमेंट है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना को बेस्ट फूड फॉर टुमारो कहा जाता है, बिकॉज इसमें वो सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है जो हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में बचा सकता है। इसमें 10 गुना ज्यादा बेटा कैरोटीन है कंपेयरिंग टू कैरेट्स, 55-77% इसमें प्रोटीन है, GLA है, इसमें बहुत ही अच्छे अमाउंट में विटामिंस एंड मिनरल्स भी है। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि मैम हम स्पाइरुलिना किसको दे? आप सभी को दे सकते हो, बच्चों को, बुजुर्ग को, जो लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, जो स्पेशली वेजिटेरियन है, जो खेल कूद में रुचि रखते हैं, अगर घर में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बीमार हैं और रिकवर हो रहे हैं उन्हें दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा प्रेग्नेंट लेडी में भी आप बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन एक चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि उनके डॉक्टर से जरा आप एक बार पूछ लीजिए, बिकॉज प्रेग्नेंट लेडी की इन एंड आउट डॉक्टर से ज्यादा अच्छा किसी को भी पता नहीं होता है, राइट? सो अगर उनके शरीर में कुछ जा रहा है तो डॉक्टर को उसकी पूरी जानकारी रहना जरूरी है। अभी हमें बेनिफिट्स कैसे दे रही है? जनरल वीकनेस, थकावट, अर्ली एजिंग, ये सब के लिए आप स्पाइरुलिना दे सकते हो। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आप स्पाइरुलिना दे सकते हैं, डायबिटीज में आप स्पाइरुलिना दे सकते हैं, अगर किसी के शरीर में खून की कमी हो रही है तब भी आप उन्हें स्पाइरुलिना दे सकते हो, जैसे कि एनीमिया की प्रॉब्लम, बिकॉज स्पाइरुलिना में आयरन का मात्रा बहुत अच्छे से होता है। सेकंड, मेमोरी लॉस, अगर कोई आंखों से सही तरीके से नहीं दिख पाते, आंख संबंधित प्रॉब्लम्स है, तो उसमें भी आप स्पाइरुलिना को ऐड कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत ही ज्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम है और अल्सर की प्रॉब्लम है तो वहां पे भी आप स्पाइरुलिना सजेस्ट कर सकते हैं। तो स्पाइरुलिना को क्या कहा जाता है? कंप्लीट फूड सप्लीमेंट। इसको हम लेंगे कैसे? दिन में 4 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद, एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव, टू बी ऑन सेफर साइड। थायराइड में आप स्पाइरुलिना को अवॉइड ही करो। एलर्जी, अगर किसी को सी फूड या सीवीड, समुद्री खाना से अगर एलर्जी है तो हम अवॉइड करेंगे। यूरिक एसिड, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, ये दोनों चीजों में हम स्पाइरुलिना को अवॉइड करेंगे। अब बात करते हैं वेस्टिज नोनी। नोनी ऐसा नहीं कि वेस्टिज ने ही इसको प्रोडक्शन किया हुआ है। नोनी को हम आज 2000 सालों से पहले से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं फॉर
आवर ओन हेल्थ बेनिफिट्स और आयुर्वेदा, ट्रेडिशनल आयुर्वेदा में नोनी में विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छे अमाउंट में है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे अमाउंट में, उसके साथ साथ जा रहा है पोटेशियम। और ये सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ नोनी का एक दूसरा बेनिफिट भी है, नोनी हमारे शरीर में हमारा जो सेल्स है उसको साफ करने में मदद करता है। नोनी में जेरोनिन होने के कारण सेल्स से गंदगी हटा के सेल्स के होल को अपने ओरिजिनल पोजीशन में लेके आएगा, ताकि आप कुछ भी खा रहे हो उसका सारा पोषण आपके सेल्स तक सही तरीके से पहुंच सके। अब इस दूसरे बेनिफिट्स आपके शरीर में इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है, और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ साथ आपके ट्यूमर कैंसर जैसी चीजों के अगेंस्ट भी लड़ने में मदद करेगा। नोनी इज अ नेचुरल पेन किलर, सो चाहे वो अर्थराइटिस की पेन हो, चाहे वो माइग्रेन पेन हो, चाहे वो हेडेक हो, चाहे वो बैक पेन हो, राइट, किसी भी तरीके की पेन, पेन सुनते ही हम क्या ऐड करेंगे वहां पे, नोनी, बिकॉज इट्स अ नेचुरल पेन किलर। हाई ब्लड प्रेशर में आप नोनी को सजेस्ट कर सकते हैं, डायबिटीज में आप सजेस्ट कर सकते हैं, माइग्रेन प्रॉब्लम्स में, पीरियड पेन में, स्किन के प्रॉब्लम्स में, अर्थराइटिस, एस्थमा, ब्रोकन बोन्स को भी हील करने में नोनी मदद करेगा। अब नोनी के डोसेजेस बहुत ही डिफरेंट है। नोनी हम कैसे लेंगे, दिन में दो, एक से दो कैप्सूल्स डेली, खाना खाने के आधा घंटा पहले। नोनी हम लेंगे दिन में 5 दिन और 2 दिन गैप, ठीक है, नोनी हम लेंगे दिन में 5 दिन और 2 दिन गैप। इसमें पोटेशियम बहुत ही हाई अमाउंट में होने के कारण किडनी प्रॉब्लम्स, यूरिक एसिड जैसी कंडीशंस में हम नहीं देंगे, ठीक है, इसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा होने के कारण किडनी प्रॉब्लम्स में हम नोनी को अवॉइड करेंगे। एज लिमिट 12 साल से ऊपर। अब एलोवेरा, एलोवेरा कहते ही बस 2-3 बेनिफिट्स पता है कि हाँ एलोवेरा लगाने से एकदम ठंडा लगता है, अगर जले हुए जगह पे लगाते हैं तो बहुत ही ठंडा लगता है, सुकून फील होता है, अगर पेट जल रहा हो और एलोवेरा खा दे तो बहुत ही अच्छा आराम मिलता है, जले हुए पेट में एसिडिटी कम होती है, राइट, बालों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब के, ये सारे कॉमन हेल्थ बेनिफिट्स के अलावा भी एलोवेरा जो हमें हेल्थ बेनिफिट्स देती है वो ये है कि वो हमारे ट्यूमर के अगेंस्ट फाइट करने में मदद करती है। अब ट्यूमर के अगेंस्ट कैसे फाइट करता है, बिकॉज एलोवेरा में है ग्लूकामेनन्स, एराबिनन्स एंड गैलेक्टिन्स, जो आपके ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट फाइट करता है, आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करके कैंसर के अगेंस्ट फाइट करने में भी मदद करती है। और दूसरे बेनिफिट इसके क्या है, एसिड रिफ्लक्स, हार्ट बर्न, राइट, उस प्रॉब्लम से कम करने में मदद करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करती है, अगर किसी के मुंह संबंधित प्रॉब्लम हो, ओरल हेल्थ प्रॉब्लम हो, यानी कि मुंह से गंदा स्मेल आना, राइट, तो उस ओरल हेल्थ को भी मेंटेन करने में मदद करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करके कैंसर, इन्फेक्शन, वायरसेस, ट्यूमर जैसे चीज के अगेंस्ट भी फाइट करने में मदद करती है। डैंड्रफ, स्किन को हेल्दी रखने में मदद करेगा, हेयर को हेल्दी रखने में मदद करेगी, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में मदद करेगा। तो अगर अभी से अगर आप एलोवेरा लेना शुरू करोगे तो आप अपने स्किन को टैनिंग से बचा रहे। एलोवेरा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ करने में और हेल्दी रखने में मदद कर रही। हम इसको कैसे खाएंगे, दिन में 4 कैप्सूल्स 2-2 करके खाना खाने के बाद। एज लिमिट 12 साल से ऊपर। नाउ आमला, आमला का सबसे जो हेल्थ बेनिफिट्स हमें आमला खाने से मिलता है वो है आपकी विटामिन सी, आमला, ठीक है, एक ऑरेंज में जितना विटामिन सी मिलता है उससे 30 गुना ज्यादा आमले में पाई जाती है, और ये विटामिन सी हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बूस्ट करके बीमारियों के अगेंस्ट लड़ने में मदद करता है। सिर्फ विटामिन सी ही नहीं, जब आप आमला कंज्यूम कर रहे हो ना, आपको विटामिन सी के अलावा आपको बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट मिल रही है, आप बहुत ही अच्छे अमाउंट में कैल्शियम मिल रहा है, आपको बहुत ही अच्छे अमाउंट में फास्फोरस मिल रही है, आयरन भी मिल रहा है, और आमला में सब
सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करके आपके बीमारियों को अगेंस्ट लड़ने में मदद करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप विटामिन सी ले रहे हैं तो सर्दी खांसी के अगेंस्ट भी लड़ने में मदद करता है। हेयर एंड स्किन, विटामिन सी यानी कि आपके हेयर एंड स्किन के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट होता है। अगर हम बात करें आमले की डोसेजेस की, दिन में 4 कैप्सूल्स दो दो करके खाना खाने के बाद, एज लिमिट 12 साल से ऊपर। अब बात करते हैं हमारे वेस्टिज कोलोस्ट्रॉम। वेस्टिज कोलोस्ट्रॉम जो है ये आपकी बोवाइन कोलोस्ट्रॉम है, यानी कि बोवाइन कोलोस्ट्रॉम यानी कि गाय के दूध से बना हुआ। और ये कोलोस्ट्रॉम की सबसे खासियत चीज क्या है, जो रेगुलर मिल्क हम पीते हैं उससे 100 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज कोलोस्ट्रॉम में पाई जाती है। एलर्जी सुनते ही आप कोलोस्ट्रॉम सजेस्ट कर सकते हो। ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने में मदद करता है, हमारे स्किन के इलास्टिसिटी को मदद करती है, हमारे बॉडी को एनर्जेटिक रखने में मदद करता है। और अगर आपके घर में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बार बार बीमार पड़ते हैं, आप उन्हें भी ये सप्लीमेंट दे सकते हो। आपके घर में बहुत ऐसे व्यक्ति होंगे जो खाना तो अच्छे तरीके से खाते हैं लेकिन फिर भी उनके शरीर में पोषण नहीं जा पाता, उस पोषण नहीं जा पाता, राइट, वहां पे भी आप कोलोस्ट्रॉम को सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये हम लेंगे कैसे, दिन में 4 कैप्सूल्स दो दो करके। सबसे अच्छी बात कोलोस्ट्रॉम की क्या है, ये आप 5 साल के बच्चों को दे सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं और वो कैप्सूल को नहीं निगल पा रहे हैं तो आप क्या करोगे, कैप्सूल को खोल दीजिए, दूध या पानी में मिक्स करके उस बच्चे को आप दे सकते हो। तो ये था हमारा आज का इम्यून बूस्टर। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच निर्वाणा कि आप हमेशा मुझे मुझे चांस देते हैं कि मैं अपनी नॉलेज को आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड विश यू वेल।